आपका स्वागत है कालचक्र में। अग्नि का हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो चूल्हा हो, माइक्रोवेव, दीपक हो या माचिस की छोटी सी तीली। लेकिन क्या आपको पता है कि अग्नि का हमारी राशि से भी बहुत गहरा नाता है? तो चलिए अब बात करते हैं अग्नि और राशियों की, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, अग्नि का राशियों से क्या संबंध है? देखिए, मेष, सिंह और धनु राशि, ये तीन राशियां अग्नि तत्व प्रधान राशि होती हैं। मेष राशि वालों में तीन भाग अग्नि और एक भाग वायु तत्व का होता है। मेष राशि वालों को सफलता पाने के लिए अपने गुस्से और व्यवहार पर काबू रखना चाहिए। सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। और सिंह राशि वालों को दुर्घटना से हमेशा संभल कर रहना चाहिए। सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए और हो सके तो गायत्री मंत्र से, गाय के घी से आम की लकड़ियों पर हवन भी करना चाहिए। सिंह राशि वालों को काले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। धनु राशि वालों को सोच समझकर बोलना चाहिए, भाग दौड़ करते रहना चाहिए और सूर्य को हर रोज़ जल चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और इन्हें भी काले नीले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।